नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी टीम लगातार निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच जा रही है, उनसे बात कर रही है, उनसे चर्चा कर रही है, कुछ मुद्दों को लेकर वे जो जनता के बीच जाएंगे। ऐसे में बात की जाए तो स्वाति चोपड़ा हमारे साथ मौजूद है, जो दिग्गज नेता संतोष जी चोपड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है, उनके यहाँ के बहू है ये, उनसे बात करेंगे कि मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जाएंगे और क्या उनके मुख्य मुद्दे होंगे। स्वाति जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी। थैंक यू सो मच। स्वाति जी, अगर बात किया है तो आप पहली बार जो है राजनीति में आ रहे हैं, और तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आई थिंक जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम डिसाइड करते हैं कि हमको किसी चीज़ में एंटर करना है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रही। मैंने सोचा कि लोगों को हेल्प करने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है, जहाँ पर जो मेरा एक सोसाइटी को पे बैक करने का एक हमें सिखाया जाता है कि आप सोसाइटी में हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको वो करना चाहिए। तो राजनीति में आने का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं अगर किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगी तो वो मुझे एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ, मैंने एज एन एजुकेटेड इंडिविजुअल, एजुकेटेड इंडियन, आई एम कमिंग अहेड एंड आई एम हेल्पिंग पीपल। सो दैट्स द मेन मोटो बिहाइंड कमिंग इनटू पॉलिटिक्स। स्वाति जी, अगर बात किया तो फर्स्ट टाइम आपने सुना कि आपका टिकट फाइनल हो गया है, तो किस तरह का महसूस हुआ, परिवार में किस तरीके से उत्साह था, खुशी थी? जो मेरा पारिवारिक माहौल रहा है, पापा जी संतोष जी चोपड़ा, तो हम हमेशा राजनीति से, पापा हमेशा संगठन से जुड़े रहे हैं, तो ये एक अच्छी खुशी की बात थी। पर एट द सेम टाइम मैं बोलूँगी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बिलोंग करती हूँ इस फील्ड से, पापा बिलोंग करते हैं इस फील्ड से, हमारी पूरी फैमिली जुड़ी रही है बहुत सालों से, तो इट्स लाइक अपनी फैमिली में ही आने का मौका मिल रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। भाजपा परिवार, भाजपा संगठन में काम करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। स्वाति जी, अगर बात की जाए तो क्या मुद्दों को लेकर वार्ड में जाएंगे आप, किस तरीके से अपनी बात रखेंगे, जनता को किस तरीके से रिझाने का काम करेंगे, किस तरीके से? आई थिंक वार्ड का पहले सर्वे किया जाएगा, अभी हम लोग बस वही उसी तैयारी में हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं और कैसे हम उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं प्लानिंग से ज़्यादा एग्जीक्यूशन में बिलीव करती हूँ और बोलने से ज़्यादा एक्शन में बिलीव करती हूँ, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उसके लिए हम डिस्कशंस करेंगे, और जो भी मेरे अपने वरिष्ठ यहाँ नीमच के वरिष्ठ लोग हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेतागण हैं, जो कार्यकर्ता हैं, मीडिया वाले हैं, अपन सब मिलकर सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे कि कैसे हम लोग चीज़ों को तुरंत सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें। और आई थिंक नीमच और CRPF तो नीमच का गौरव है, जो वार्ड नंबर 33 से जहाँ से मैं खड़ी हुई हूँ, जहाँ से मुझे पार्षद का टिकट मिला है, वो तो एक नीमच का गौरव है कि CRPF जो लोग देश की सेवा करते हैं, आज उनकी सेवा करने का मौका मुझे मिल रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी कंसिडर करती हूँ, बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं, बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगी। स्वाति जी, अगर बात की जाए आपकी एजुकेशन की बात की जाए तो कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, कैसे पढ़ाई की? सबसे पहले मेरी एजुकेशन भिलवाड़ा से हुई थी, मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, मैंने डुअल डिग्री ग्रेजुएशन किया है, आई मीन BBA एंड BCOM साइमल्टेनियसली। उसके बाद मैंने मुंबई जाकर वेलिंकर्स से MBA किया है, एंड आई मीन MBA इन फाइनेंस। और उसके बाद मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है, मैंने सोनाटा सॉफ्टवेयर बैंगलोर में काम किया है, इट्स बीन अ क्वाइट यू नो लॉन्ग जर्नी। फिर मैंने लेक्चरारशिप भी की है, क्योंकि आई वॉन्टेड टू टीच स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, एंड नाउ कमिंग इन टू दिस फील्ड मेक्स मी फील गुड दैट आई एम यूजिंग, आई एम पुटिंग माई एजुकेशन टू सम गुड यूज़। तो यदि स्वाति चोपड़ा, जो वार्ड नंबर 33 से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई है, संतोष जी चोपड़ा के यहाँ से उनको बहू है, और बड़ा नाम जो है ये एक माना जाता है, जिस तरीके से इस सीट को लेकर जो एक बड़ा घमासान हो रहा था, तो वहीं बात की जाए तो स्वाति चोपड़ा आज हमारे बीच में थी, जिन्होंने अपने वार्ड के विकास को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच में जाएंगी, वे अपना एक रोड मैप तैयार करेंगी, और पहले जो है उन्होंने कहा कि वे काम करने पर ज़्यादा भरोसा करती है। मेरे सहयोगी संजय बैरागी के साथ नवीन पाटीदार की यह रिपोर्ट।